हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम सौरभ गोडिया है। सो आज का मौसम आप लोगों ने देखा कितना अच्छा मौसम था बिल्कुल, और मैंने खुले आसमान के नीचे आज एक वीडियो भी बनाई, मोटिवेशनल स्टोरी थी जो कि एक जो मैंने आज कहीं पर पढ़ी थी, तो मैंने आज वीडियो बना डाली। इस स्टोरी को आप सभी लोग देख सकते हैं जाके, कैसी स्टोरी थी आज दैनिक अपलोड करिए। तो फटाफट से चलते हैं टेक न्यूज़ की तरफ। टेक न्यूज़ आज बहुत अच्छी अच्छी टेक न्यूज़ आई हुई हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पर है, नोकिया ने आज 43 इंच की अपनी 4K टीवी लॉन्च कर दी है, और इसकी प्राइस है यहाँ पर 31,999 रुपीज, जो कि एक 4K डिस्प्ले के साथ आएगी, और इसकी फर्स्ट सेल जो है 4 जून को स्टार्ट होगी, 4 जून को 12 बजे से। तो और ये एंड्रॉयड 10 के ऊपर आती है ये टीवी, तो लेट्स सी कैसी होती है एंड्रॉयड टीवी नोकिया की ओर से। एंड द नेक्स्ट न्यूज इज सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा। सो सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा यहाँ पर लिस्ट हो गया है वेबसाइट पे, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। ये फ्लैगशिप ग्रेड का फोन होने वाला है, तो काफ़ी महंगा फोन होगा ये, दो किडनियाँ बेचनी पड़ सकती हैं, मजाक की बात थी। तो देखते हैं ये फोन कैसा आता है और किस प्राइस रेंज के साथ आता है। 1 लाख से तो ऊपर ही जाएगा ये फोन, और काफ़ी अच्छे स्पेक्स है, हाई ग्रेड एंड फोन होने वाला ये। एंड दी नेक्स्ट एंड दी नेक्स्ट न्यूज इज हीरोज नाउ एंड एपिक गेम्स, जो कि एपिक गेम्स फॉर्टनाइट गेम अपने बनाता है, और फॉर्टनाइट गेम एपिक गेम्स का है, और हीरोज नाउ आप लोगों ने सुना ही होगा, जो कि फिल्म बनाते हैं मूवीज वाले, तो इन लोगों ने पार्टनरशिप कर लिया है बॉलीवुड के लिए। अगले जब कोई भी लोग मूवी बनाएंगे पार्टनरशिप में, तो इनके जो VFX और एनिमेशन इफेक्ट्स रहेंगे तो काफ़ी और बेटर निकल के आएंगे बॉलीवुड के लिए। तो आगे जाने वाले अच्छे VFX और ग्राफिक के साथ एनिमेशन मूवी आएंगी बॉलीवुड में, तो इन लोगों ने पार्टनरशिप कर लिया है। एंड नेक्स्ट न्यूज इज Amazon प्लानिंग टू एक्वायर एयरटेल। Amazon प्लानिंग कर रहा है कि एयरटेल के लिए इन्वेस्ट करेगा, वो कितने का, 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाला है Amazon, जो कि $2 बिलियन होता है 15,000 करोड़। तो देखते हैं ये कब प्लानिंग की क्या है, प्लानिंग तो कुछ बताई नहीं उन्होंने, बस इतना ही निकल के आया कि Amazon प्लानिंग कर रहा है कुछ कि एयरटेल के साथ कुछ एक्वायर करेगा। एंड दी नेक्स्ट न्यूज इज Realme X3 का फुल स्पेसिफिकेशन यहाँ पर लीक होके आ चुका है सामने, तो देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे यहाँ पर स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर होगा, एंड डिस्प्ले 6.6 इंच की IPS फुल HD डिस्प्ले होने वाला है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, एंड गोरिल्ला ग्लास 5 का यहाँ पर सपोर्ट होगा, एंड 4200mAh की बैटरी विद 30W फास्ट चार्जिंग, 6GB 8GB 12GB के स्पेसिफिकेशन वेरिएंट पे ये फोन आने वाले हैं, और प्राइमरी कैमरा होगा इसमें 64MP का प्राइमरी कैमरा, एंड अल्ट्रावाइड कैमरा होगा 8MP का, और 30MP का टेलीफोटो लेंस होगा, जो कि 2x तक ऑप्टिकल जूम अपना वो कर पाएगा, और 2MP का माइक्रो लेंस कैमरा होने वाला है। तो लेट्स सी कैसा होता है ये Realme का नया फोन। एंड द नेक्स्ट न्यूज इज Redmi 9 यहाँ पर फोटो लीक होकर आई है, ये 2 कलर पे आया, पर्पल कलर दिख रहा है और ग्रीन कलर दिख रहा है। सो देखते हैं ये फोन कैसा होने वाला है, उसकी लॉन्च डेट भी सामने लीक होकर आ गई, जो कि 25 जून है, 25 जून यहाँ पर 25 जून, ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर लॉन्च करेगा, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है इंडिया चाइना कहाँ पर भी, लेकिन 25 जून कहीं पर तो लॉन्च जरूर होगा ये फोन। तो लेट्स सी कैसा होता है, और इसके स्पेसिफिकेशन में यहाँ पर निकल जाता है G80 प्रोसेसर होगा, और 6.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले होने वाली है, एंड मिडिल पंच होल डिस्प्ले वाला कैमरा होने वाला फ्रंट पे, एंड 5000mAh की बैटरी होगी, एंड 18W फास्ट आउटपुट वाला चार्जर होने वाला है इस पे। तो लेट्स सी कैसा होता है ये फोन, 25 जून को यहाँ पर सामने निकल के आ जाएगा ये फोन। एंड नेक्स्ट न्यूज इज पोको माइट सरप्राइज अस, तो पोको अपन कुछ सरप्राइज देने वाला है, जो कि मैं कल की न्यूज में बताया था, तो वो ये रहा है कि पोको ने मेक इन इंडिया का भी कुछ डाला था, जो आज भी डाला है मेक फॉर इंडिया, तो अभी तक ये रिवील नहीं किया है पोको ने क्या आगे आने वाला है इस पर। पोको F1 का जिक्र किया है यहाँ पर, जो कि फोन का, और नया क्या आने वाला है, कुछ नया प्रोडक्ट भी पोको लॉन्च कर रहा है ये, लेकिन अभी तक कुछ बताया नहीं है पोको ने। तो लेट्स सी क्या होता है ये प्रोडक्ट, काफी अच्छी प्रोडक्ट होगा जो भी होगा, क्योंकि इतना टीजर कर रहा है, इतना ऐड दे रहा है, सब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं बहुत ज्यादा पोको के इस नए प्रोडक्ट के ऊपर, तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट होने वाला है ये। द नेक्स्ट न्यूज इज यहाँ पर HTC कमबैक करना चाह रहा है, यहाँ पर HTC का एक फोन यहाँ पर लिस्ट होकर आया है, HTC Desire 20 Pro, यहाँ पर इसका मॉडल नंबर है HTC Desire 20 Pro, और इस पे प्रोसेसर लगा हुआ है Snapdragon 665, 2 साल पुराना प्रोसेसर, इतने पहले का बिल्कुल प्रोसेसर यूज करेगा फोन में, और इतनी देर बाद कमबैक किया इसने, मुझे नहीं लगता ये फोन चल पाएगा, और जब
चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो यहाँ पर MI का नोटबुक की जो डेट थी, लॉन्च डेट यहाँ पर सामने आ चुकी है ऑफिशियली। 11 जून को ये नोटबुक लॉन्च होगा MI का इंडिया पे। एंड द नेक्स्ट न्यूज इज जियो। जियो ने अपना 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री कर दिया डिज्नी हॉटस्टार के लिए। तो इंजॉय करो जियो का ये लाभ उठाओ। और एक न्यूज और थी जो मैंने अपनी टेक्निकल गाइड ली करी सैमसंग की, सैमसंग A31 आज लॉन्च हो गया है इंडिया पे, लेकिन इसलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया क्योंकि वो ओवर प्राइस लगा और प्रोसेसर बहुत पहले का यूज़ किया उसने। मीडिया टेक का रिव्यू G65 यूज किया गया है और उसकी प्राइस रखी गई है इंडिया पे 22,000 रुपये, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया अपनी टेक्निक्स में। बस आज की टेक्निक्स में नहीं, अगर आपको ये टेक्निक्स पसंद आए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। एंड जब तक के लिए एज ऑलवेज नेवर गिव अप टिल द रेस्ट ऑफ योर लाइफ।